बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का आधार ही विज्ञान है। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष परिचर्चा में, जो कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हैं। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जीवन में हर एक चीज में आप टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, हर एक जगह में आप टेक्नोलॉजी और साइंस का प्रभाव देख सकते हैं। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तेरी ही रंगत तेरी ही खुशबू है। जी हाँ, विज्ञान के बारे में ये बिल्कुल संगत है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं या आने वाली पीढ़ी को हम जो बता रहे हैं, जो राह दिखा रहे हैं, उन सभी में विज्ञान और तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमें कुछ करके दिखाना है और टेक्नोलॉजी के प्रभाव को सबको समझाना है। आइए इस विशेष परिचर्चा के द्वारा हम ये जानें कि आज हमारा भारत कितना आत्मनिर्भर है। आज के इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए हमारे साथ विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, जो समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पी उषा वर्मा जी, जो कि टेक्नोलॉजी डायरेक्टर हैं DRDO में। मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर एन किशोरनाथ जी का, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ASL DRDO में। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पी के जैन, जो कि कार्बन सेंटर के हेड हैं ARCI में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने अपना समय निकाला, अमूल्य समय निकाला, और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में परिचर्चा में भाग लेने के लिए आए। तो जब भी मैं वैज्ञानिक के बारे में सोचती हूँ या पढ़ती हूँ, तो बचपन से मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी कि वैज्ञानिक, मतलब वो रात दिन अपने रिसर्च में डूबे हुए होते होंगे, क्या एक जुनून होता होगा, क्या एक जिज्ञासा होती होगी उनके अंदर, जो उनको कुछ नया करने के लिए मजबूर करती होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से आप लोग आज वैज्ञानिक बने हैं और यहाँ पर कार्यरत हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगा था कि बचपन में मुझे साइंटिस्ट ही बनना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और महिलाओं को लेकर तो सबसे पहले ये कहा जाता है आप टीचिंग में चले जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियरिंग के लिए उतना कम, उस समय में कम ध्यान। तो कैसे आपका लगाव इस तरफ आया? तो ऐसे कुछ नहीं था कि जो मुझे साइंटिस्ट ही बनना है जी। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम लाइक विलेज इन केरला, व्हिच इज कॉल्ड पट्टाम्बी, व्हेन माय पेरेंट्स वर नॉट सो एजुकेटेड, लाइक नो 10th क्लास, बट देन व्हाट दे हैव गिवन मी इज द बेसिक नो फाउंडेशन। सो इट वाज लाइक बुक्स, लाइक एवरी, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे माय फादर यूज्ड टू ब्रिंग अ बुक होम। सो दैट इज द इनिशियली व्हेन यू आर चाइल्ड, नो पता नहीं हमको क्या पसंद है, इट्स नॉट वेरी क्लियर टू अस। सो इट इज लाइक रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स। Slowly then I realized that my interests are more towards maths and science and things. So I started more concentrating on that, started reading more books on that. So again, it is confusion, like, no, at those ages, we were not sure, like, so career, what is the career, what is in a scientist, what is an engineer, it was not known to me. Like, the only engineer which whom I have seen was an AE in the electricity board. Other than that, it was not too much knowing to me. So it was like when... after 10th, took the sciences stream, but not with an intention of becoming a scientist. Then after that, I joined maths, BSc maths. But then I had two people who had, you know, changed my life. Okay. One is my... दो pillars जो आपकी life के थे। तो एक तो मेरा मामा है, जो it's a cousin brother of my mother. Okay. And another one is my tuition teachers. Both of them felt that I'm not meant to be like, not just a teacher or remain like that. So they forced my parents. Okay, you should not put her in a normal college. You should put her in an engineering college. And those days, REC was, NIT was an option. And I had very good marks. So I was like sort of without my own knowledge, I was put it in the engineering college. So that is the first, you know, actually the change of my life, that, okay, getting into an engineering. Then I got electronics, that also I'm not sure like which subject to be taken, because awareness was not there, like what electronics engineer is, what a civil engineer is. So finally, okay, somehow by destiny, the electronics engineering was chosen. Okay. Then the second part of my life which has changed was like after I completed my engineering,
मुझे जॉब मिला था जस्ट नियर टू माई हाउस, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालकाड, क्लोज टू माई होम. सो वी आर ऑल हैप्पी. बट देर वॉज अ ट्रेनिंग फॉर 3 months इन कोटा, राजस्थान. अच्छा. फॉर दैट सो आई गॉन देर एंड द सीएमडी दे ऑफ दैट कंपनी, डॉक्टर किनी, आई स्टिल रिमेम्बर, वन डे ही कॉल मी, लाइक इट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट 3 months ट्रेनिंग, 1 month इज ओवर, ही कॉल मी इन द मॉर्निंग. आई वॉज लाइक नो स्केर्ड, वॉट सीएमडी क्यों बुला रहे. देन ही गेव मी दिस एडवाइस. He said, Usha, you are not the person to be remaining in such a place. Your interest is in research and you should join a good research organization like ISRO, DRDO or any of such institution. That is where you will make a difference. So again, it was like, no, he was the person who pushed me out of that my comfort small zone, See. Which is close to my house. And then I joined Samir, Mumbai, as a scientist. Okay. From there, after 10 years, I got a lateral entry to DRDO. Dr. Saraswat actually pulled me here. Okay. So from then onwards, like, I'm in this. और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि जब माता पिता हमें पुस्तकों की ओर बढ़ाते हैं या हमें किताब पढ़ने की ओर हमें बढ़ाते हैं, तब हम अपनी रुचि को असली में जान पाते हैं कि हम चाहते क्या हैं. जी, बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है वो प्रेरणा आपके पीछे, कि किस तरह से आप इस ओर आए. 10th क्लास में अच्छा मार्क्स मिलने पर मेरे को पॉलिटेक्निक में ज्वाइन करवा दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज माई हार्ट, नियर टू द हार्ट सब्जेक्ट. सो आई स्टडीड माई डिप्लोमा एंड देन आई ज्वाइंड इंजीनियरिंग. तो इन इंजीनियरिंग में भी मैं अच्छा मार्क्स कमाया था, इसीलिए मेरे को एम्बिशन था मैं आईआईटी में जाऊं और अच्छा पढ़ूं और टीचिंग में लाइन में जाऊं. अच्छा. बट बिफोर टू दैट, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर डीआरडीओ इंटरव्यू, आई गॉट सेलेक्टेड. बिफोर दैट आई डजंट नो अबाउट डीआरडीओ, बट आफ्टर ज्वाइनिंग आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन डूइंग रिसर्च. इसके बारे में मैं बहुत अच्छा काम किया जी. और मेरे को अच्छा प्रमोशंस भी मिला. मैं अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ. जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वो जुनून था जिसने आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया. मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे सेंट्रल स्कूल में, तो मैं स्कूल में टीचरों को देखा करता था. तो देखता था कि जो साइंस के टीचर हैं उनका सामाजिक दायरा ज्यादा अच्छा रहता था, चीजों को समझने की शक्ति ज्यादा रहती थी. तो विज्ञान में धीरे धीरे करके ज्यादा रुचि आने लगी. और जब मैंने विज्ञान पढ़ा, पढ़ते पढ़ते, और उस जमाने में जब हम पढ़ते थे तो विज्ञान ही माना जाता था कि थोड़ा सा एक जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो विज्ञान लेते हैं. धीरे धीरे करके जब मैंने पीएचडी में ज्वाइन किया तो महसूस किया कि जितना हम जानते हैं उसमें और बहुत कुछ बाकी है. जितना हम जानते हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, और उसके अंदर इतना गहन अध्ययन की जरूरत है. और ये मेरा सौभाग्य भी था कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे एक बार शोध कार्य के लिए अमेरिका भेजा गया, और वहां पर जाकर के मैंने देखा कि वो लोग एक अलग दृष्टिकोण से रिसर्च करते हैं. तो वहां से मेरा एक पहले सिर्फ एक रिसर्च को मैं एक पढ़ाई की तरह लेता था, लेकिन वहां से जो रिसर्च है एक जुनून के तौर पे आ गया कि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए. पदार्थों में इतने परिवर्तन संभव है, तो वहां से वो मेरा परिवर्तन दौर था. और फिर मैंने सोच लिया कि किसी भी तरह मुझे वैज्ञानिक ही बनना है. और इसलिए दिल्ली से कार्य करके हैदराबाद में जब मुझे मिला, उस जमाने में लोग इतनी दूर दूर कम जाया करते थे, लेकिन जो कि वैज्ञानिक की पोस्ट थी तो वहां पर मिलने के लिए फिर मैंने ये मुझे ARCI उस समय नया सेंटर खुला था, और मुझे वहां पर वैज्ञानिक की पोस्ट मिली थी और मैंने ज्वाइन कर लिया. जी, बहुत बहुत बधाई सर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ARCI में भी, खासतौर पर कार्बन के क्षेत्र में. मैं उस क्षेत्र पर भी आऊंगी. लेकिन जब हम, आपने जैसा बताया कि एजुकेशन सिस्टम, जब आप बाहर गए तो वहां पर देखा आपने कि रिसर्च को जो है वो अलग नजरिए से वहां पर देखा जाता है. तो मैं बात करना चाहूंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में. हालांकि अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें कई सारी चीजें बदली हैं और कई सारी चीजें नई उसमें एड ऑन हुई हैं. जैसे पहले हम सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहते थे, सिर्फ हम टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहते थे, उसको ही पढ़ना है, उसमें ही हमें कुछ खोजना है, उससे बाहर की हमारी दुनिया नहीं होती थी. लेकिन आज नई शिक्षा नीति में हमें वो प्रावधान है, पढ़ाई तो हम अपनी करते ही रहे लेकिन साथ ही साथ हम उसको नवोन्वेषण भी करें, इनोवेशन को भी हम देखें, और उसमें जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं
उसको हम लाने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है, मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी क्योंकि आप बाहर से रिसर्च करके आए हैं, बताइए क्या क्या डिफरेंस होता है हमारे भारतीय शिक्षा नीति में और बाहर की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ की सामाजिक मान्यता ये थी कि जिनके अच्छे नंबर आते हैं जी वो अच्छे इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, और इस चक्कर में लोग इनोवेशन जो आप कह रही हैं उसको करने में डरते थे क्योंकि इनोवेशन में फेलियर भी हो सकते हैं। हाँ। तो इनोवेशन में जब फेलियर हो सकते हैं तो लोग उसके लिए उन चीजों को कम छूते थे जहां पर आप पदार्थों पर या विज्ञान में कुछ नया करें, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में आप अपनी कुशलता कौशलता बढ़ा सकते हैं और नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक सरकार भी सहयोग देती है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर आप अपनी कुशलता को कौशलता को नए नए इनोवेशन के लिए एक अलग अलग स्कीम्स हैं जैसे भारत सरकार बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी स्कीम चलती हैं जहां पर हम हर वर्ष इनोवेशन अवार्ड देते हैं, और ऐसे ऐसी चीजें आती हैं जो भारतीय समाज में आप उसके लिए पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जिसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो वो बहुत से लोग इनोवेटिव करते हैं जो सामाजिक कार्यों में बहुत उपयोगी रहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया सर कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा नीति में और कुछ सुधार करके और एक नया रंग इसे हम दे सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अटल इनोवेशन कार्यक्रम है ये क्या है और किस तरह से मदद कर रहा है स्टूडेंट्स को उन्नत विद्या के लिए, रिसर्च के लिए जी? एक स्कॉलरशिप मिल रहा है, पीएचडी करने के लिए अभी 75,000 मिल रहा है, तो उससे बहुत लोग आकर्षित करके अच्छा इन रिसर्च करने के लिए पढ़ने के लिए आगे आ रहा है यूनिवर्सिटीज में। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, और अटल इनोवेशन स्कीम इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू इवन एनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस टू कंडक्ट सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस एंड मेक द पीपल अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आगे बढ़ाना है और सबको स्टूडेंट्स को इनोवेशन रिसर्च के लिए इन्वॉल्व करना है और उसको फॉरवर्ड करने के लिए एंकरेज भी करना है। बिल्कुल, तो आपने बताया अटल इनोवेशन जो कार्यक्रम है वो किस तरह से कार्य कर रहा है और उससे जो विद्यार्थी हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो मैम, आप डीआरडीओ में हैं और यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं या किस तरह का डेवलपमेंट आप देखती हैं? डीआरडीओ के अभी एक इनिशिएटिव है यंग साइंटिस्ट लैब, आई थिंक अराउंड 6 लैब्स आर देयर। उसमें ये डिफरेंस ये है कि वो अंडर 35 ऑल द साइंटिस्ट और द वर्किंग टीम अंडर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर 35 एंड दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर जनरल। तो उनके पास एक जनरली कॉमन प्रॉब्लम होता है कि लाइक नो व्हेन ए साइंटिस्ट का उनके कंप्लेंट होता है कि यू हैव ऑलवेज लिसन टू द एल्डर्स, व्हाट एवर द सीनियर्स टेल यू हैव टू डू ओनली दैट, सो दैट स्टॉप्स इनोवेशन, लाइक द थिंकिंग, द क्रिटिकल थिंकिंग विच यू नो विच इज रियली रिक्वायर्ड फॉर अ साइंटिस्ट, दैट इज गेट नो ब्लॉक्ड। बिल्कुल, सो दैट इज द आइडिया, सो दैट दिस न्यू सेंटर्स आर बीन क्रिएटेड टू मेक दिस यंग साइंटिस्ट थिंक इन अ मोर asymmetrically, more you know, open way of thinking. That they are doing quite well in many of the areas, in the quantum sciences, then quantum technology is one field, asymmetric technology is another field. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ में भी जो नए वैज्ञानिक आ रहे हैं या जो नए फ्रेश माइंड्स हैं उनको स्पेस दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि आप कुछ करिए या नया अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल। उसके अलावा प्लस डीआरडीओ अभी we are creating lot of center of excellences in various universities, like almost all IITs we have a center of excellence. Okay. Where DRDO scientists can go and do their M.Tech and PhD. The students in these universities can work on a problem which is given by DRDO. Okay. So finally it's an application oriented research, because most of the time problem ye hota hai ki jo universities ke andar they do more theoretical work, they do not know what is finally when you come to an industry what the type of work is, how the application is, this is not generally not taught. Because the concentration is more on publishing more papers research work, yes, not on the application. So these innovation centers are center of excellences are to help you know bridge this gap between the industries to the academics. Okay, so these are the
lot of other schemes, CARS project, and so many things are there. DRDO is, you know, very actively getting participated into the interaction. कि DRDO जो है वो young generation को काफी प्रभावित कर रहा है और उन्हें मौका भी दे रहा है साथ ही साथ कि वो कुछ नया कार्य करें, या अगर वो students हैं तो भी वो कर सकते हैं, या वैज्ञानिक हैं वो भी वो कर सकते हैं. तो ये यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा, मैडम ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि तकनीकी पिछले एक दो दशकों में काफी एक्सपोनेंशियली बदल रही है. जी. तो क्या होता है कि जब हम नए जो वैज्ञानिक हैं, हाँ, वो आते हैं, वो नए आइडियाज के साथ आते हैं, और जो हमारे पुराने साइंटिस्ट हैं उन लोगों को थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी को वो करने के लिए प्रयास करते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाए. तो इसके लिए चूंकि हमारे सिस्टम के अंदर सरकार चाहती है कि जो नए वैज्ञानिक आए हैं उनको भी अवसर दिया जाए कि वो नई टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली लीड करें. बिल्कुल. तो इसीलिए उन लोगों ने ऐसे एक प्रयास किए कि वो डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करें, जिससे कि उनके जो व्यवस्था की जो समस्याएं हैं वो उनको कम से कम फेस करनी पड़े. बिल्कुल. वो उनको एक फ्री हैंड दिया जाए कि वो जो भी रिसर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और तभी नया इनोवेशन जिसकी हम परिकल्पना करते हैं वो जन्म लेती है. जी. तो सर, ये तो हमने जाना कि क्या क्या आज हम युवाओं को दे रहे हैं, देश दे रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की विश्व के पटल पर, तो हम भारत को कहाँ देखते हैं? आज हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, और इन 75 सालों में हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं? आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, और हम और हमें क्या करना है कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन पाए. तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे आप जिन जिन क्षेत्रों में हैं, उन क्षेत्रों में भारत कितना आगे बढ़ चुका है पहले से. ये जो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, विश्व एक अलग दृष्टिकोण से देखता था, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बाजार के रूप में विकसित हुआ. तो वहां टेक्नोलॉजी भी एक प्रोडक्ट बन गई. तो कोई भी देश अपने प्रोडक्ट को पूर्ण रूप से नहीं बेचना चाहता था, वो चाहता था कि ये मार्केट, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये डिपेंडेंट हमेशा भारत रहे और उनसे हमेशा खरीदता रहे. जी. लेकिन धीरे धीरे करके भारत के वैज्ञानिकों ने सोचा, भारत सरकार ने सोचा कि आप कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई कि हर चीज को हम करें, लेकिन उसकी चुनौतियां भी हैं. हाँ. क्योंकि सिस्टम, जब आप आगे बात करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो इन टोटो या कंप्लीट आप चीजों को इंटीग्रेट करना, वो भी एक चुनौती पूर्ण कार्य होता है. फिर भी हमारे वैज्ञानिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और आज हम कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और खास करके जो हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि विश्व में हमारा नाम काफी उज्जवल हो रहा है. सर, आप आते हैं कार्बन बैकग्राउंड से, कार्बन डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि कार्बन जो वहां पर नैनो टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बातें होती हैं, और किस तरह से कार्बन के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ पाए. जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहां पे पदार्थों का रोल हमेशा शुरू से रहा है, जिसे मटेरियल्स कहते हैं. यहां तक कि मानव सभ्यता में भी हमारा जैसे जैसे विकास हुआ तो सब पदार्थों के नाम पे हुआ. स्टोन एज हम बोलते हैं, पाषाण युग बोलते हैं जिसे, या कांस्य युग है, या अपना मेटल का है. आज की डेट में, अभी जैसे आज से 50 वर्ष पूर्व सिलिकॉन मटेरियल था. सिलिकॉन मटेरियल ने पूरे विश्व में क्रांति कर दी, और जापान एक अर्थव्यवस्था में इतना नंबर वन बन गया. तो हमेशा पदार्थों का प्रयोग तो रहेगा, कार्बन के साथ उसके कुछ आंतरिक गुण ऐसे हैं जो उसको एक अलग पदार्थ बनाते हैं. आप अगर 2000 डिग्री से ऊपर किसी भी पदार्थ को नहीं ले जा सकते सिवाय कार्बन के. अच्छा. कार्बन ही एक ऐसा पदार्थ है, इसीलिए मिसाइल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें जो कार्बन जो हेड टिप लगती है, नोज टिप बोलते हैं जिसे, वो कार्बन की लगती है. हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट लगभग बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. जी. और चूंकि आज हर चीज का वेट सेविंग बहुत हो रही है, तो वेट सेविंग के लिए आप हर पदार्थ से पहले, आप स्ट्रक्चर के लिए किसी एक अलग पदार्थ को इस्तेमाल करते थे, अभी उसी पदार्थ से उम्मीद की जाती है कि वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को, थर्मल प्रॉपर्टीज को, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को उसी पदार्थ में, जिसे आप कहते हैं बहुआयामी, जैसे अगर आप उसको सरल भाषा में, सामाजिक भाषा में, जैसे मल्टीग्रेन आटा खाते हैं हम. हाँ. तो एक ही आटे में हम चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज मिल जाए, उसी तरह हम छोटे पदार्थों में चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज आ जाए. तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या हम उसमें चेंज कर
करें, परिवर्तन करें कि वो प्रॉपर्टीज हो। आप देखिए जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, अब ये मोबाइल कितना ज्यादा एडवांस मोबाइल है, एडवांस कैमरा है, एडवांस सारी मेमोरी सिस्टम होते हैं और कितना छोटा है, इसे नैनो टेक्नोलॉजी। इस तरह से आपने मतलब बताया कि किस तरह से आपके कार्बन क्षेत्र में भी आप लोग काफी काम कर रहे हैं, काफी रिसर्च हो रहा है ARCI में और उसका अलग अलग विभागों को आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसे मिसाइल के जो क्षेत्र हैं आपने बताया कि उसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो आपके यहाँ से बनते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं मिसाइल्स की और उस क्षेत्र की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी को लेकर कि जहां पर धान यानी जो राइस होता है उसे उगाना संभव नहीं होता था, जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र थे वहां आज हम खेती कर पा रहे हैं, वहां पर हम धान उगा पा रहे हैं। तो इतने एडवांस हम हो चुके हैं, गांव की मैं बात कर रही हूं वहां पर भी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं। और उससे पहले भी अंधविश्वास के जमाने में जब हम जीते थे तो वहां से निकलकर आज हम इतने स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है मिसाइल को लेकर, तो आप लोग क्या करते हैं और किस तरह की आपकी रणनीति होती है? हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम डिजाइन करते हैं हमारा एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में जी। हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं मटेरियल जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो लाइट वेट रहे और मिसाइल ज्यादा दूर जा सके और कम वजन में ज्यादा पेलोड को लेके जाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग कंपोजिट मटेरियल में काम करते हैं, कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स में, उसमें बहुत अच्छा वेट सेविंग मिलता है और उससे हम लोग रॉकेट मोटर्स बनाए, फ्लेक्स नोजल सिस्टम्स बनाए और कैनिस्टर्स बनाए, री एंट्री व्हीकल स्ट्रक्चर्स बनाए, इससे मिसाइल का कम वजन में ज्यादा दूर जा सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग जो है मिसाइल का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि किस तरह से मिसाइल काम करेगा या कहां पर क्या चीज फिट होनी चाहिए मिसाइल में, और उस पर आप काम करते हैं। और आज हम देख ही रहे हैं कि Agni-5 तक हम लोग सक्सेस पा चुके हैं और आगे शायद और भी इससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स हमें देखने को मिले। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस तरह का कार्य करती हैं, हालांकि आप राडार में भी आपने काम किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली वी कॉम्प्लीमेंट वॉट डॉक्टर किशोरनाथ, दे मेक द मैकेनिकल इंजीनियर्स, द एरोस्पेस इंजीनियर, द प्रोपल्शन इंजीनियर्स, दे मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसाइल एंड वी पुट द ब्रेन ऑन टू दैट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच विल कैरी दिस मिसाइल टू अ प्लेस वेयर वी वॉन्ट टू रीच, कैरी द वॉरहेड। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। उनसे कॉन्टेक्ट रखते हैं या उसका जो मिसाइल को ऑपरेट करने का सारा सिस्टम आप? बट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ऑफ दैट। सो रेडार्स, वी कैन से दैट इन द मिसाइल कॉन्टेक्स्ट रेडार्स आर कॉल्ड द आई ऑफ ए मिसाइल, लाइक वेयर द मिसाइल विल बी एबल विद द रेडार सिस्टम द मिसाइल विल बी एबल टू सी वेयर टू रीच टू ए लोकेशन। सो दे आर कॉल्ड द सीकर्स, रेडार सीकर्स। सो माय फर्स्ट पार्ट ऑफ माय करियर इन DRDO सीकर्स में थे। सीकर्स वर्क इन वेरियस हाई फ्रीक्वेंसी, लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। द सेकेंड पार्ट इन द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी वाई कॉन द हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज अनदर पार्ट। वेन वी लॉन्च अ मिसाइल वी नीड टू नाउ नो वॉट एवर इंटेंशन विथ विच वी हैव फायर्ड द मिसाइल, वो सब मीट किया नहीं किया, तो हाउ डू यू गेट इट। उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लाइट ट्रायल में से, तो वो इन्फॉर्मेशन आर टेलीमिटेड बैक इन टू द ग्राउंड सिस्टम। सो दैट कम्युनिकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग। सो वी हैव डेवलप्ड वन हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम विच कैन इवन वर्क when re-entry happens, lot of plasma gets created and which blocks the communication. So one of the major areas of my research is in that, getting the communication data even through the plasma creation. The third category is like on the countermeasures. That is, countermeasures are how to protect the missile from an enemy, like make it invisible to the enemy system or fool the enemy system that, and
सेल्फ प्रोटेक्शन जी। तो बेसिकली हम ये कहें कि ब्रेन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, है ना। भले ही शरीर कितना भी सुंदर हो लेकिन अगर ब्रेन नहीं है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो आप उसको देखती हैं, बहुत अच्छा कार्य करें। मैम आप को मैं जब देख रही हूँ तो आप एक महिला हैं और वैज्ञानिक हैं, तो महिला वैज्ञानिक और ऊपर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डील करती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं का कितना योगदान है या कितनी महिलाएं आप देख रही हैं कि टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कितनी महिलाएं देखने को मिलती हैं? क्या इनकी भागीदारिता उतनी ही है जितनी पुरुषों की है? क्या हम बराबर हैं या कहीं हम पीछे? वी आर स्टिल लॉन्ग वे टू रीच दैट इक्वालिटी। आई थिंक वी आर परसेंटेज मे बी स्टिल अराउंड 20%, नॉट इवन रीच्ड some labs, maybe some of the DST SNT labs maybe 30%, but I don't think उससे ज्यादा है। तो उसके काफी reasons है। So basically one of the reasons which I feel personally what is lacking is there is a basic difference between the men and women about the career perception. Like for men it's always like a need, like we can't imagine a man without having a job or without earning his own money. But even for the parents who put a lot of efforts in educating their daughters, they are still not so keen of sending their daughters into a very difficult competitive job. They all want the daughters to be like working on a very peaceful carefree environment. So that is the basic difference. So that once that need has to be there, like every woman start thinking that I need to work, I need to be a part of the workforce, then that equality can be achieved. Second thing is the competence, like to work with an environment, especially in the technology area, we need to make ourselves competent enough to be at par with the men, when or the need, meet the needs. तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो महिलाएं या जो लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं तो उनमें क्षमताएं नहीं है उतनी कि उनको वो बीट कर पाए जो? इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू लुक एट द एजुकेशन, लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर लाइक इन इवन द साइंस फील्ड, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर गर्ल्स। सो देयर इज नो डाउट ऑन देयर कॉम्पिटेंस और द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी और द रिसर्च कैपेबिलिटी, एब्सोल्युटली नो दिस थिंग। बट what happens is when it comes to the balancing of the life, like see the problem with girls is like the your biological clock and your career clock are in conflict. Correct. So whenever that situation come, how do we handle that situation? So that there is what the problem actually happens, and most of the women are not able to, they feel that okay, for me life is more, family is more important. So they give lesser preference to the career. It is important to you also and me also. It's true. Yeah. So it has to we have to, if you are to make a set a goal, be consistent in that working, and then work towards that, find a support system to get through. Yes. So that is the need. मैम मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना, आपकी बेटी है? Yeah. तो उनको आप क्या उनके आगे कुछ गोल्स आपने सेट किए हैं या उनके खुद? No, she was very independent. She is now studying in National University of Singapore. I sent her in the COVID times, she went all the way alone at the age of 18 to in US to do her industrial design. She has been very independent right from the childhood, and she makes her own targets. She works towards that, very hardworking. बिल्कुल, so, ये चीज जो है वो जरूरी है कि आप बचपन से उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, उसको अपना जो निर्णय है वो लेने में सक्षम हो, वो देखना हमारे बीइंग अ पेरेंट को जरूरी होता है कि उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बनाएं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कारण है महिलाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी भी कम है, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रहा है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जी। अभी हमारा लैब में देखा तो बहुत लेडी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर्स है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है जी। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया तो वो भी प्रूव कर सकते हैं जी। तो महिलाओं को प्रभुत्व भी पोस्ता कर रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और पढ़ाई में भी 30% रिजर्वेशन दिया है अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जी। तो ये बहुत ही अच्छा बात है दैट महिला शुड पार्टिसिपेट इन द workforce so that our GDP also will increase. In my perspective, they should have an equal opportunity and they should come forward and work in the environment and compete and prove
बिल्कुल, दे आर प्रूविंग. थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब महिलाएं भी काम करेंगी तो हमारा जीडीपी जो है वो और इंक्रीज होगा, क्योंकि दुगना फोर्स हमारे देश के लिए लगेगा. बिल्कुल सही बात है. और महिलाओं के लिए काफी कुछ रियायतें भी हैं जो आपने बताई, तो हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो इस माध्यम से लाभ उठाएंगे. सर आपका क्या मानना है, क्यों महिलाएं साइंस और टेक्नोलॉजी में कम देखने को मिलती हैं? ऐसा नहीं है कि कम रहती हैं, क्योंकि अक्सर ये जैसा बताया मैडम ने कि सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी है कि उनके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं. उस चुनौतियों को साथ में रखते हुए उनका हमेशा से ये रहा है कि परफॉर्मेंस हमेशा बहुत बेस्ट रहता है. उनको जो भी कार्य मिले, इवन जो हाउस लेडीज भी हैं आज अगर पुरुष कर पा रहे हैं काम, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि घर पर कोई एक लेडी घर संभालती है, तो उसमें उनका सहयोग हो सकता है वो दिखता ना हो लेकिन उनका सहयोग पूरा रहता है जी. और जहां तक आजकल जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट रहते हैं, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के साथ चुनौतियां होती हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कभी कभी ऑड आवर्स में हैं, कहीं कहीं पर हार्ड वर्क्स होते हैं, तो व्यवस्था भी उनको थोड़ा सपोर्ट करती है. इस बीच में अब सरकार ने भी काफी कार्यक्रम चलाए हैं वुमेन साइंटिस्टों के लिए, अलग से स्कीम्स रहती हैं कि वो अगर किसी कारण से पारिवारिक दायित्व पूरा करते हुए बीच में अगर उनको 4 साल या 6 साल का गैप आता है, दोबारा से रिसर्च कर सकती हैं. तो सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग देती है, लेकिन धीरे धीरे समस्या चीजें बदल रही हैं. और अब जितनी तेजी से विकास महिलाओं का हो रहा है, ये एक भारत के लिए एक बहुत ही एक स्वर्णिम युग आने वाला है, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं. बिल्कुल. और तकनीकी क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में. आप चाहे वो मेडिकल साइंस में लीजिए या किसी भी एक कंप्यूटर साइंस में लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीजिए, किसी भी इंडस्ट्रीज में. पहले ये था कि महिलाएं केवल उसे प्रयास करती थी कि सरकारी नौकरी हो, आज के जमाने में प्राइवेट नौकरीज को लेने में भी वो बड़े बड़े चैलेंजेस लेती हैं. अपने गोल्स जो हैं वो बहुत हाई रखती हैं और उनको पूरा करती हैं. आप किसी भी कंपनी में टॉप 5 में से कम 1 या 2 महिलाएं अवश्य देखेंगे, जितनी भी बड़ी वो हैं. और ये काम सरकारी उसमें भी व्यवस्था में हो रहा है, तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात है. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारिता जो है वो बढ़ती जा रही है और टॉप लेवल पर भी महिलाएं आ रही हैं, वो सारा एक ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही हैं. और मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा अच्छा संभालती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से ट्रेन होती है. जी जी, बेसिक मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी. तो सर अब हम बात करते हैं कोविड की, जिससे हम लोग ग्रस्त हैं पिछले 2 साल से, लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं. और जब ये शुरुआत हुआ तब मानो ऐसा लगा कि हमारा पूरा विश्व जो है वो एक तरह से बंद हो गया है, हर चीजें बंद हो चुकी हैं, बैंकों में ताले लग चुके हैं, सारी दुकानें बंद हैं, सबके व्यवसाय जो चल रहे थे वो ठप पड़ गए हैं. ऐसे में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा? आप लोगों के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि किन किन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का हाथ रहा. तो मैम आप बताइए कि किस तरह से हम इस जो एफेक्टेड पीरियड था उसमें हमने कैसे सर्वाइव किया और टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया. बेसिकली व्हेन द कोविड स्टार्टेड, नो, ऑल ऑफ अस रियली गॉट वरीड, लाइक नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. बट देन व्हाट आई फाउंड इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन, डीआरडीओ हैज स्टार्टेड, यू नो, इन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हैव केम इनटू एक्शन, मेकिंग वेंटिलेटर्स एंड लॉट मेनी, यू नो, कोविड सपोर्टिंग रिसर्च, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन डीआरडीओ, क्रिएटेड इट्स ऑन अवर ऑन वेंटिलेटर्स, अवर ऑन मेडिसिन. सो दिस नोबडी वेंट इनटू दैट लॉकडाउन मोड, सो दैट इज फॉर द डीआरडीओ. एंड ऑल्सो वट आई हैव सीन इज द मेनी पीपल हु हैव, यू नो, work from home. It's one another you know, the thing which has happened in a nice way. It has created a lot of opportunities in the technology side, more and more video conferencing, then the transport system, like the pollution has come out drastically. Jee. So many innovations have happened, and even the healthcare, we made our own vaccine. So I don't think, like, you know, we went into that sleeping mode. It became little more like more and more active in the technology side, how to support. और ज्यादा एक्टिव किया और ज्यादा अपने हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया कि कैसे इसको सपोर्ट करना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है. सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दैनिक जीवन में
जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो हमारे डे टू डे लाइफ पर पड़ा, तो उसमें टेक्नोलॉजी ने कैसे हमें मदद की? कोविड के आने से जहां पर आपके पास कुछ अलग मापदंड नहीं थे, आप अपने अपने मापदंड आपको खुद ही स्थापित करने थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आप वैक्सीन बनाने के लिए हो। पहले हमेशा हम लोग विश्व की तरफ देखते थे कि वो हमें बताएंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन कोविड में सभी देश, सभी जो सामाजिक चीजें थी वो ऑलमोस्ट स्थिर हो गई। जब आप स्थिर हो गई तो आपकी अंदर की जो क्षमता होती है वो निकल करके आती है। इस दौरान भारत की अंदर की क्षमता, जो यहां तक कि हम लोग पीपीई किट भी इम्पोर्ट किया करते थे, वेंटिलेटर सिस्टम हम इम्पोर्ट किया करते, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को इम्पोर्ट किया करते थे, उन सब को हम लोगों ने भारत में विकसित किया और यहां तक किया कि वैक्सीन हम एक्सपोर्ट करने लगे। बताइए, ये एक इतना बड़ा अचीवमेंट था। पोलियो वैक्सीन 59 में डेवलप हुई थी और सन 2011 तक हम उसको इम्पोर्ट ही करते आ रहे थे। ये 2020 में आया कोविड और हम 2021 में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारतीय फार्मा कंपनी के लिए ये एक हमारे लिए एक स्वर्णिम काल था। ये इस कोविड ने बताया कि भारत के अंदर क्षमताएं क्या हैं। और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल था दैनिक जीवन का, तो उसके कुछ फायदे हुए, जैसे कि आप पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गया, हम अपने आप में हमें महसूस हुआ कि जिन चीजों को हम जरूरी मानते हैं जीने के लिए वो जरूरी नहीं है। जो चीजों को हम दूसरों के लिए वो करते थे, जब आप घर में रहने लगे तो आपको लगने लगा कि उनके बगैर भी आप रह सकते हैं। बिल्कुल, तो उससे क्या हुआ, आपके अंदर जो हमारे भारत की जो रियल क्षमता थी, जैसे गांव के जीवन में लोग जीते थे जिनके पास क्षमताएं कम होती हैं, अपने आप ही आपको चीजें बनानी है, वो चीजें डेवलप हो गई। और सामाजिक बंधन, एक परिवार की उपयोगिता, वो भी बढ़ गई। लोगों को महसूस हुआ कि हम इस रेस में जा रहे हैं जहां पर परिवार थोड़ा पीछे छूट रहे थे। बिल्कुल, इस दौरान हमारे परिवार, हम लोगों में इंटीग्रेशन बढ़ा, सभी में हुआ, लोगों ने आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो से टेक्नोलॉजी का जो फायदा था, जो आज से 2 साल पहले तक लोग वीडियो कॉल करते नहीं थे, वो वीडियो कॉल करने लगे, क्लासेस होने लगी। और खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम उन वक्ताओं को बुलाने लगे जो वक्ता भारत में नहीं आना चाहते थे, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनके अनुभव का की भी हम लाभ उठाने लगे। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो परिवार को लेकर हम लोग एक स्टेप पीछे चले गए थे कि इसके बिना हमारा काम चल जाएगा, या हमें जो एक आगे बढ़ने वाली जो रेस है उसमें बस दौड़ना है, परिवार भले ही पीछे छूट जाए, तो वो चीज जो इस COVID-19 के दौरान हमें महसूस हुई और हमने सीखी कि परिवार का साथ बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं रह सकते, भले ही जो बाकी जो पैसे रुपए या जो भी हो वो बाद में भी कमाए जा सकते हैं, या कम भी है तो उससे गुजारा चल सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान जो एजुकेशनल सिस्टम था उस पर कितना प्रभाव पड़ा? एजुकेशनल सिस्टम ये COVID-19 के वजह से बहुत अफेक्ट हुआ, बट हमारा इंटरनेट के वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के बाद सब लोगों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुई, सो सब लोग घर में बैठ के भी पढ़ाई कर पाए हैं। सो दिस हैज गिवन गुड बूम फॉर पीपल हु कैन लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वो अच्छी बात हुई है। और डिजिटलाइजेशन हैज बिकम ए मंत्रा ड्यूरिंग दिस कोविड, एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड ई कॉमर्स हैज टेकन ए बिग जंप ड्यू टू कोविड, एंड पीपल सिटिंग एट होम दे आर एबल टू वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस का काम कर सकते हैं, और बच्चे लोग भी पढ़ने के लिए अच्छा मौका मिला है, इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है COVID-19 के पीरियड में, ये मेरी राय है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही सर कि जो एक ट्रांजैक्शन वाला जो मोड हमारे सभी के लाइफ में आया कि हमें जेब में 1 रुपए की भी अब जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम अपना गुजारा चल सकते हैं अगर आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल है और आपका खाता अगर बैंक से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज जो है वो गांव-गांव तक पहुंच गई। और इस दौरान ही जो ये टेक्नोलॉजी है वो मेरे ख्याल से बहुत सारे गांव हर क्षेत्र में ये पहुंच गया, क्योंकि बैंक वगैरह तो उस दौरान बंद थे, लेकिन एक बार फिर हमने अपनी राह बनाई और हम जी जी और हम अपने व्यवसाय को जो हम काम कर रहे थे उसको अफेक्ट किए बिना
हम आगे बढ़ने लगे और बिल्कुल आज जैसा आप सभी ने बताया कि हमने कितना कुछ अपने आप किया है, आत्मनिर्भरता की ओर हम कितनी तेजी से अग्रसर हैं। तो सर, जब मैं बात होती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की और टेक्नोलॉजी के प्रसार की, हम देखते हैं कि सागर की गहराई हो उसको भी हम नापते हैं और आसमान की ऊंचाई को भी हम नापते हैं। हम आज वहां पहुंच चुके हैं जहां पृथ्वी, आकाश और ये जो समुद्र है उसकी गहराइयों तक हम अपने रिसर्च को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि हम लोगों को और क्या कार्य करने हैं और हम कितना पीछे हैं जब हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे पूर्ण रूप से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि हमें क्या कुछ और करने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता के बारे में डिफेंस का क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा काम किया है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिसाइल्स भी बन रहा है और वी आर एक्सपोर्टिंग मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस। रिसेंटली वी गॉट ऑर्डर फॉर ब्रह्मोस। और पहले भारत डिफेंस के क्षेत्र में इम्पोर्टर था, अभी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग खुद बहुत मिसाइल्स कर पा रहा है और टेक्नोलॉजीज बहुत डेवलप किया है, लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, गन्स, मिसाइल सिस्टम्स, सो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो सब में हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत इम्प्रूव हुआ है और वी आर एबल टू डू एक्सपोर्ट इन मेनी ऑफ द ओकेशंस। एंड अभी आत्मनिर्भरता का प्राइम मिनिस्टर का कॉल से सब लोग हमारा इंटरनल रिसर्च बहुत उसका प्रतिष्ठित हो गया है और उसके माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करके एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी मिल रहा है। गवर्नमेंट आल्सो मेड पॉलिसीज इन सच ए वे दैट द इक्विपमेंट विच कैन बी मेड इन इंडिया कैन बी एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज। बिल्कुल, सो उसके क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कितना हम आगे बढ़ चुके हैं और बस अब कुछ ही कदम रह गए हैं जब हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो सर, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं या क्या और कुछ हमें करना है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। बहुत कुछ करना बाकी है जी, लेकिन यह है कि बहुत कुछ हो भी चुका है। हाँ। इसमें पदार्थों के क्षेत्र में जैसे हम कार्य करते हैं और हमारा कार्य जो है, हमारा संस्थान जो है वो इंडस्ट्री सबको भी सपोर्ट करता है जी। जैसे मैंने बताया कार्बन के क्षेत्र में काम करते हैं, हर बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन लगता है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है जी। लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि आज भी हम लिथियम आयन बैटरीज नहीं बना पाते हैं। सभी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके जो ग्रेड का कार्बन है या उसके ग्रेड का जो पदार्थ है वो वहां पर अभी बन नहीं पा रहा है और जो बन भी पा रहा है वो उतना इकोनॉमिकल नहीं है। तो चुनौतियां हैं जहां पर हमारे लिए इकोनॉमिकल फ्रंट है, क्योंकि डिफेंस में एक थोड़ा एडवांटेज रहता है क्योंकि हमारी मारक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब आप सोशल प्रोडक्ट की बात करते हैं वहां पर इकोनॉमिक्स एक फैक्टर रहता है कि आपको वर्ल्ड के लोगों से कम्पीट करना है, तो वहां पर थोड़ी चुनौतियां हैं और हम लोग हर तरफ से, चाहे वो नैनो सिल्वर हो, नैनो सिल्वर कोटिंग्स करते हैं क्लॉथ पे जिससे कि आपके हाइड्रोफोबिक कोटिंग होती है, आप कुछ भी डालिए पानी आपको उसके ऊपर गिरेगा नहीं, वो नहीं लगेगा, और इस तरह के बहुत से पदार्थ होते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं, लेकिन काफी हम लोग बढ़ चुके हैं और आप ये कह सकते हैं कि हम उन देशों की कतार में हैं जो विकसित देशों साथ रिसर्च हो रहा है। लेकिन चूंकि सामाजिक अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई हैं तो उनके भी बेंचमार्क काफी हाई हो गए, तो इसीलिए ये एक रन फॉर चेंज है कि हम लोग भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्तर काफी ऊंचा हो चुका है रिसर्च में, और ये नहीं कह सकते कितने कदम दूर है, लेकिन अगर आप बेंचमार्क विकसित देशों को लें, यूरोप को या अमेरिका को, तो हम उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि आज 75 वर्षों के बाद आजादी के हम उनसे ज्यादा पीछे नहीं है, या मैं यूं कहूंगी कि लगभग हम कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि हमने कोविड के दौरान देखा, सर ने भी बताया कि हमने किस तरह से अपनी चीजें हमने खुद विकसित की, आपने बताया कि किस तरह से हमने वैक्सीन बनाए, मैम ने बताया किस तरह से डीआरडीओ ने जब सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था तब सबसे पहले काफी सारा सैनिटाइजर बनाया गया, मास्क बनाए गए और हर तरह से हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की
पूरी कोशिश की उस समय में, जबकि विश्व में एक तरह से मैं ये कहूंगी कि कोई एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार नहीं था, सब अपने ही देशों में व्यस्त थे, अपने ही नागरिकों के लिए सब व्यस्त थे। तो ऐसे समय में जब हम अपने आप को इतना आगे लेकर आ गए हैं, तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम कुछ ही कदम और रह गए हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र को लेकर हम किस तरह से देख सकते हैं, कितना कुछ कार्य अभी बाकी है आत्मनिर्भरता की ओर? हम लोग काफी आगे आ चुके हैं एंड वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी एंड देन द टेक्नोलॉजी एज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। But as Dr. Kishornath said, in missile technology, we have already achieved the self-reliance. We have almost all type of weapons which are already in service. Mm-hmm. Now, but the problem in the background, like the components level, like the most of the electronics, the basic, even though we are good in making systems, the components abhi bhi hum, depending on the outside countries. So the semiconductor industry is something which need to be established in India. The chip manufacturing, which is one of the major bottleneck in that. And second is the energy sector. We still depend on the coal and such things. So the more clean energy production and these things are another major issue. तो मतलब हम कुछ ही सालों में और लगभग हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो पाएंगे और सभी कुछ हम खुद ही डेवलप कर पाएंगे। सर, मैं बात करना चाहूंगी युवाओं की, कि युवाओं को किस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित किया जाए कि वो इस क्षेत्र में आए, ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। या मैं बात करूंगी उन छात्रों की जो गांवों में हैं। शहर में हम देखते हैं कि बच्चों को एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा मिल जाता है, थोड़े प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, लेकिन जो बच्चा गांव में पढ़ाई कर रहा है उसको कैसे आकर्षित किया जाए या उसको कैसे आगे बढ़ने के लिए उसके जो प्रयास हैं, जो उसकी रुचि है, उसको कैसे वो अपना मीट कर पाए? ये बहुत अच्छा एक वो है कि हमारा चूंकि देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है जी, बाकी और देशों की तुलना में हमारे पास गांव और शहरों में काफी बड़ा गैप है। लेकिन जैसे डिजिटल इंडिया हुआ तो बहुत सी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है, अब गांव में चूंकि सभी के पास मोबाइल है तो इन्फॉर्मेशन अगर अमेरिका में भी कुछ चीज होती है वो गांव में पहुंच जाती है जी। जहां तक युवाओं को इसके साथ जोड़ने का है, सरकार ऑलरेडी पहल कर चुकी है, ट्रिपल आईटीज जो है जहां पर गांव के बच्चों को तकनीकी जो शिक्षा है वो दी जाती है। नवोदय विद्यालय जो है वो गांव के बच्चों को ये ही विकसित किए गए हैं। और लेकिन जहां तक आज के जमाने का सवाल है, जहां पर हमें जैसे इंडस्ट्री 4.0 जहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इन चीजों को हम अपनी इंडस्ट्रीज में इंटीग्रेट करने के लिए किस तरह का एक सिस्टम बनाएं तो जिससे युवाओं को ये लगे, क्योंकि ये चीजें हमारे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगी और युवाओं को भी आकर्षित करेंगी। और जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, प्राइवेट की अलग सरकार की अलग, उन दोनों को इंटीग्रेट करने से युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, युवाओं को भी वो होगा। अभी क्या है, सरकारी व्यवस्थाएं अलग कार्य करती हैं और प्राइवेट व्यवस्थाएं अलग कार्य करती हैं। उनको ये कंप्यूटर की वजह से, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से अगर दोनों एक साथ काम करें, जैसे आपने बताया कि आज हम इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन वो उसका फायदा अमेरिकन कंपनीज या जो यूरोप की कंपनीज है उनको होता है। अगर वो व्यवस्था हमारे लिए हो, उसमें चुनौतियां हैं जी, लेकिन अगर प्रयास किए जाएं तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस ओर रुझान लें। युवाओं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सर, ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है जी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। युवाओं को टेक्नोलॉजी और आकर्षित करना बहुत जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया बोल के एक कार्यक्रम भी निकाला है, जो गांव में रहते हैं वो युवाओं को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग देना चाहिए, लाइक प्लम्बिंग, कारपेंट्री, देन लाइक वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट्स, कारपेंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, सो देन दे विल गेट इंटरेस्टेड इन टेक्निकल थिंग्स एंड दे कैन मेक देयर लाइवलीहुड वेरी इजिली। सो उसके बारे में वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट स्कूल लेवल एंड एट कॉलेज लेवल वोकेशनल ट्रेनिंग दिया तो वो युवाओं के लिए उसके ऊपर अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और उसका उसके हिसाब से उन लोगों को जॉब भी मिलेगा और उसका लाइवलीहुड भी ज्यादा आसान हो जाएगा।
ये मेरा राय है। बिल्कुल सर, अगर हम इस तरह की ट्रेनिंग दें और उनके लाइवलीहुड पर तो असर पड़ेगा ही, खास तौर पर मैं ये कहूंगी कि उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा और वो फिर अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। जी मैम, आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि जो युवा है या जो ब्रेन ड्रेन हमारे देश में देखा जाता है, जो भी अच्छा बच्चा होता है, ब्राइट स्टूडेंट होता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर काम करूं या बाहर मैं पढ़ूं, तो ऐसा क्यों और आज उस पर कितना असर हम देख सकते हैं? द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू इज टू प्रोवाइड दम अपॉर्चुनिटीज एट देयर ओन प्लेस। सो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव, तो उसके लिए वन इज लाइक नो मेक मोर ऑफ सैटेलाइट सिटीज विच आर क्लोज टू, लाइक नो वी हैव लॉट ऑफ स्पॉट्स वेयर द वर्क फोर्स इज अवेलेबल बट द फेसिलिटीज आर नॉट देयर। देयर आर गवर्नमेंट इज मेक इन इंडिया इटसेल्फ इज अ गुड स्कीम, एनीबडी कैन डू देयर ओन स्टार्टअप विद which is very easy now, like no, not like the earlier days if somebody has to start up a business it's very difficult. Agriculture, which is the backbone of all our villages, where lots of people who are coming out of the villages, yes, now make it more high tech farming. Lot of different schemes are there, technology is used in the storage of the agricultural food, how to make more productive fertilizers. So give them more and more opportunities at their own place. So Digital India is something which connects the ITs. So these are the ways I think of, we should be supporting जी. these students. तो इस तरह से मतलब हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को डेवलप करेंगे या जो गांव से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं वहां पर अगर हम उसको और हाईटेक या टेक्नोलॉजी से उसको परिपूर्ण करें, कनेक्ट करें, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर दे सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं वैसे आप सभी के हैं, तो कुछ अवार्ड्स जो मेमोरेबल हों और जो आपने अचीव किया हो जिसे बताने में आप गौरव हासिल करते हो वो हमसे साझा करें। मेरे को 2003 में लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, वो बहुत ही मेरे को एनकरेजमेंट मिला था, उसके वजह से मैं बहुत अच्छा काम करने के लिए मेरे को एनर्जी मिला है और मैं अच्छा काम करते करते अग्नि सेल्फ रिलायंस अवार्ड भी मिला है और DRDO परफॉर्मेंस एक्सेलेंस भी अवार्ड भी मिला है। रिसेंटली आई गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स फॉर द डिजाइन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दीज आर द सम ऑफ द अवार्ड्स विच आई गॉट रिकॉग्निशन फॉर माई वर्क। ओके, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सर आपको, और आप इसी तरह से अच्छा कार्य करते रहिए और DRDO का नाम रोशन करते रहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो खासा उपलब्धि है और जो अवार्ड्स रिकॉग्निशन। देखिए, हमेशा जो पुरस्कार होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। जी, जब नैनो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ रही थी तो उस समय 2001 में मुझे भारत सरकार ने एक बॉयज का फेलोशिप होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी फेलोशिप है, उसके लिए केवल 28 पूरे भारत से चुने जाते हैं जी। उसमें मुझे चुना गया था, तो ये मुझे बहुत ही एक मेरे लिए स्वर्णिम वो था अवसर। उसमें ये रहता है कि आप कहीं भी अपने कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी देश को। हाँ। तो लोग अक्सर अमेरिका या यूरोप करते हैं, मैंने रशिया किया था, साइबेरिया। अच्छा। क्योंकि मैं, हम लोगों का जो संस्थान है वो जो साइबेरिया में एक सिटी है नोवोसिब्रिस्क, वो मोस्ट साइंटिफिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एक ही स्ट्रीट में करीब 40 संस्थान हैं और वहां की रिसर्च वर्ल्ड की बेस्ट रिसर्च की जाती है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं है जी। वो अपने आप को मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर मैंने 6 महीने कार्य किया था जी। और टेम्परेचर वहां पर -50 रहता था, लेकिन उन लोगों ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आप कार्य कर सकते हैं। तो वो जो कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी मैंने काम किया शुरुआती दिनों में, जिस समय भारत के अंदर शुरू हो रहा था, ये एक वो था, उस काम के ऊपर इंडियन कार्बन सोसाइटी भारत की, उसने मुझे 2009 में एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक गौरव का क्षण था जी। और बाकी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट अवार्ड तो मिलते रहते हैं, पर ये दो एक ऐसे अवार्ड थे जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक दिशा और मुझे एक मोटिवेट करने का बहुत बड़ा कार्य किया जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अपने संस्थान का नाम, ARCI का नाम बिल्कुल रोशन करते रहिए। मैम आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन आपने प्राप्त किए हैं?
एक्चुअली लाइक जो ASL में मैं ज्वाइन किया था दिस इलेक्ट्रॉनिक्स वाज ASL इज मेनली अ लैब विच इज कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन प्रोपल्शन एंड कॉम्पोजिट मटेरियल्स सच थिंग्स सो इलेक्ट्रॉनिक्स वाज नॉट देयर इन यू नो ASL सो आई वाज गिवन यू नो दिस चांस टू बिल्ड दिस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ASL एंड वी सेट अप अ न्यू टेक्नोलॉजी सेंडर विच इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट हैज कम इन टू you know a good stage and then for that I was given the laboratory the best technology group radar award in 2019 and before that like small things like you know being you know in the schools and colleges and then some so these things are and all this as he said all these awards given a lot of motivation and encouragement bilkul ma'am aapko bhi bahut bahut badhai aur isi tarah se aap bhi kaam karte rahiye advanced system laboratory ka naam DRDO ka roshan karte rahiye aur mahilaon ko khas taur pe aur jo ladkiyan hain jo colleges mein pad rahi hain jo hamara karyakram dekh rahi hain unko ek motivation zarur mile ki mahilaen chahe to kuch bhi kar sakti hain जी टेक्नोलॉजी डे के लिए एक और वो है जिस दिन पोखरण ब्लास्ट हुआ था DRDO ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था और 11 मई को ही हंसा एयरक्राफ्ट ने पहली अपनी फ्लाइट की थी उड़ान भरी थी तो इसीलिए ये दिवस सभी वैज्ञानिकों को समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था तो हम लोग भी इस दिन एक काफी मोटिवेट रहते हैं और अलग अलग अपने संस्थानों में कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट में जाकर के हम उन लोगों को मोटिवेट करें तो हमारे यहाँ आउटरीच प्रोग्राम भी होता है मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जो अगर स्टूडेंट्स हों वो हमारे इंस्टीट्यूट से साथ जुड़ना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके लिए हम सहायता भी प्रदान कर सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन रहा वो जैसे आप लोगों को देखते हैं या अब्दुल कलाम जी जो हमारे आदरणीय हैं और आदर्श हैं उनको देखकर कई सारे युवा जो हैं वो आए इस क्षेत्र में आगे बढ़े और आप लोगों को भी देखकर काफी युवा प्रेरित होंगे ऐसी मेरी कामना है तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते बस एक चाह की जरूरत होती है एक चिंगारी की जरूरत होती है जी हाँ आज हमारा देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहां से कहां आगे बढ़ चुका है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश विकसित देशों में से होगा तो आइए इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर लेती हूं आप सबसे विदा होगी फिर मुलाकात अगले कार्यक्रम में तब तक के लिए अलविदा हैदराबाद।